Hey guys, welcome back to Wandering Freak. And in case you are new to my channel, I am Pooja and today I am in Nainital, the city of lakes. यहाँ पे आपको इतना कुछ करने को मिलेगा, you won't be like having time. मैंने को 3 दिन लगा पूरा एक्सप्लोर करने में. यहाँ पे बहुत कुछ है, लाइक लेक्स, जू, चाइना पीक, मतलब ट्रैक फॉर 3 किलोमीटर्स एंड हिमालय व्यू एंड बहुत कुछ, लवर्स एंड सुसाइड पॉइंट. आई विल शेयर द आइटिनरी इन द एंड. टिल देन एंजॉय. सो अभी मैं पहुंची हूँ खुरपा ताल के लिए. खुरपा ताल का कहना है, मतलब खुरपा ताल के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक साल में 7 बार रंग बदलती है. अगर वो 7 बार बदलती है तो मैं 7 बार तो नहीं आके देख सकती, पर इस बार मैं देख रही हूँ. जब भी आप डिफरेंट डिफरेंट सीजन में आओ तो प्लीज़ एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि कौन से सीजन में कौन सा कलर बदला. आई वॉन्ट टू नो. और खुरपा ताल अब हम देखेंगे यहाँ से है. लेट मी शो यू द लोकेशन. आप कहाँ से इसको देख सकते हो, जस्ट अ सेक. दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से आपको खुरपा ताल का व्यू दिखेगा. यहाँ से आप जाओगे तो आप नीचे की तरफ चले जाओगे एंड हेयर वी विल गो लाइक दिस. तो ये है हमारा व्यू यहाँ का खुरपा ताल का. सी वाओ, है ना अमेजिंग. और नाउ आई हैव रीच्ड टू माय होटल. मैंने चेकिंग किया होटल प्रशांत में, जो मुझे लाइक हम 3 लोगों को पड़ा इट्स ऑफ 2200. सो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं. होटल अच्छा है, होटल का व्यू आप मेरे पीछे से देख सकते हैं. जस्ट अ सेक, नैनी लेक का व्यू, नैनीताल का व्यू एंड नाइट में तो वहाँ पे अमेजिंग हो जाएगा. सो अगर आप व्यू वाला होटल देख रहे हैं देन यू गाइज शुड कम हेयर. इट्स नाइस प्लेस. और यहाँ पार्किंग की भी सुविधा है, आपको पार्किंग भी आपको मिल जाएगी. और अब हम जाएंगे नैनी लेक पर. नैनी लेक देखेंगे, नैनी लेक में बोटिंग कर सकते हैं और हम सेकेंड नैना देवी टेम्पल जाएंगे और फिर बड़ा बाजार और फिर हम खाएंगे यहाँ की फेमस मिठाई जो मैं आपको बाद में बताऊँगी कौन सी है. सो लेट्स गो. अभी मैं जा रही हूँ बोटिंग करने के लिए. बोटिंग का मैं आपको प्राइस बता रही हूँ क्योंकि 210 रुपये है फुल चक्कर एंड 160 फॉर हाफ. लाइक एक पॉइंट बनाया हुआ उन्होंने, वहाँ से हाफ तक ही आप कर पाओगे. और यहाँ से हमारा होता है बोटिंग का सफ़र. आई विल शो यू कहाँ से आपको बोट मिलेगी एंड कहाँ से आप जा सकते हो. जस्ट अ सेकंड. सो दिस इज़ द टिकट काउंटर जहाँ से आपको टिकट मिलेगी एंड यहीं से आपको गाइड मिलेगा जो आपके साथ बोटिंग पर जाएगा, प्लस लाइफ जैकेट भी मिलेगी. और अब चलते हैं बोटिंग करने के लिए. We'll be right back.
ग्राउंड देख रहे हो आप। दिस इसकी एक खासियत है कि ऐसा बोलते हैं कि जब एक बार कभी यहाँ से ऊपर से पत्थर गिरा था और पहले क्या बोलते हैं इसको लेक थी, पत्थर गिरा और इसी वजह से पूरा फ्लैट एरिया आज भी ऐसा ही है, ये ऐसा कहते हैं। और अब हम जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल के लिए, बोटिंग करके बहुत मज़ा आया। अब चलते हैं नैना देवी टेम्पल की तरफ। और यहाँ के एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे लोकल्स हमेशा कोई ना कोई गेम ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो बेस्ट पार्ट हियर। मैं हूँ अभी नैना देवी टेम्पल पे। ऐसा बोला जाता है कि जो सती थी उनके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो बहुत सारी जगह गिरे जिनमें से एक ये जगह थी और इसीलिए इसका नाम नैना देवी टेम्पल पड़ा है। और इसके लिए हम चलेंगे अंदर और देखेंगे और यहीं से आपको एक बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखेगा। लेट मी शो यू, यहाँ पे है नैना देवी टेम्पल। This is the beautiful view from Naina Devi temple. See, यहाँ आके भी आप अपनी शाम को एक हंसी शाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो है ना बहुत प्यारा व्यू फ्रॉम नैना देवी टेम्पल। यहाँ से यहाँ पे आके अपना डे एंड करिए और सनसेट का भी अच्छे से मजा आ सकता है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इन न्यू डेस्टिनेशंस के साथ।